किसी भी विद्यालय में विद्यालय के छात्र नियमित रहे उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है हेडमास्टर को और समस्त स्टाफ को। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टाफ को करनी पड़ेंगी जिससे कि बच्चों को हालत सुधार आए, उपस्थिति सही रहे और आपके स्कूल का जो शैक्षिक स्तर वो सही रहे और समाज में आपका सम्मान बना रहे। अभी आपने देखा ही है कि 50 से कम वाले विद्यालय बंद हो रहे हैं, ठीक है। तो आपका भी स्कूल आ जाएगा किसी न किसी दिन और फिर यह होगा आपको किसी बहुत दूर भेज दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ नियम फॉलो करने चाहिए। विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति केवल शिक्षा स्तर माप नहीं है बल्कि यह शैक्षिक प्रक्रिया समग्र गुणवत्ता और प्रभावशीलता को दर्शाता है। यदि छात्र नियमित रूप से स्कूल नहीं आते हैं तो न केवल उनकी व्यक्तिगत शिक्षा प्रभावित है बल्कि पूरे स्कूल का शिक्षा का माहौल कमजोर हो जाता है। इस संदर्भ में प्रधानाध्यापक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। प्रधानाध्यापक न केवल प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करनी बल्कि यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्र नियमित रूप से स्कूल आए, उनकी शिक्षा में रुचि बनी रहे। नीचे प्रमुख उपायों का विस्तृत विश्लेषण है, ठीक है। तो हमारा एक ग्रुप है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं और हम लोग काफ़ी चीज़ें शेयर भी कर सकते हैं। चलिए शिक्षण में सुधार की बात कर लेते हैं। प्रधानाध्यापक को यह सुनिश्चित करना हो स्कूल में शिक्षण की गुणवत्ता उच्च हो, इसके लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण, शिक्षकों को नियमित रूप से प्रशिक्षण नई शिक्षण विधियों से अवगत कराया जाए ताकि वे छात्रों को कक्षाओं में को रोचक और प्रेरणादायक बना सके। पाठ्यक्रम की रोचकता प्रधानाध्यापक सुनिश्चित करें कि स्कूल का पाठ्यक्रम छात्रों की रुचि और सामर्थ्य के अनुसार हो जिससे वे स्कूल में आने के लिए प्रेरित हों। सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ खेल संगीत कला और अन्य गतिविधियाँ शैक्षणिक जीवन को रोचक बनाती हैं जिससे स्कूल छात्र स्कूल में जुड़ाव महसूस करते हैं। नंबर दो की बात कर लें, व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों का निर्माण। अभिभावकों से संवाद, प्रधानाध्यापक को अभिभावकों से नियमित संवाद करना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों की उपस्थिति व शैक्षणिक प्रगति की जानकारी देनी चाहिए। माता पिता की भागीदारी से छात्र अधिक जिम्मेदारी महसूस करते हैं। समुदाय के साथ साझेदारी, प्रधानाध्यापक को स्थानीय समुदाय संस्थाओं के साथ जुड़ना चाहिए ताकि शिक्षा के महत्व को लेकर जागरूकता फैलाई जा सके। सामाजिक और आर्थिक कारणों से विद्यालय नहीं आने वाले बच्चों को समुदाय एक प्रयास किए जा सकते हैं। मोटिवेशनल कार्यक्रम पुरस्कार, उपस्थित छात्रों को प्रस्तुत करना। प्रधानाध्यापक छात्रों को नियमित उपस्थिति के लिए प्रोत्साहन करने के लिए पुरस्कार और प्रशंसा कार्यक्रम चला सकते हैं। मासिक या वार्षिक आधार पर उपस्थित की उच्च दर वाले छात्रों को सम्मानित करने का एक प्रोत्साहन हो सकता है। प्रेरणादायक कार्यशालय और मोटिवेशन भाषण छात्रों को शिक्षा के महत्व को समझाने और नियमित उपस्थिति के लिए प्रेरित करने के लिए सहायक हो सकते हैं, ठीक है। आगे शिक्षकों के साथ समन्वय, शिक्षकों की जिम्मेदारी। प्रधानाध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी शिक्षक समय पर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य पालन करें। शिक्षक ही छात्रों के साथ सबसे अधिक समय बिताते हैं, इसलिए उनका छात्रों के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए। शिक्षक अभिभावक बैठ के नियमित रूप से शिक्षक अभिभावक बैठ के आयोजित की जानी चाहिए ताकि शिक्षक छात्रों की प्रगति उपस्थिति पर चर्चा कर सके, अभिभावकों को सुझाव दे सके। सुविधाओं में सुधार, बुनियादी सुविधाओं में ध्यान। स्कूल में शौचालय, पीले पानी, साफ सफाई और कक्षाओं को व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। कई बार अव्यवस्थित माहौल के कारण भी छात्र स्कूल आना पसंद नहीं करते हैं। मिड डे मील योजना, यह योजना छात्रों को नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित रहने का एक बड़ा कारण है। प्रधानाध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मिड डे मील सही लागू, भोजन पौष्टिक हो। आगे विशेष सहायता और परामर्श सेवाएं, जिन छात्रों की उपस्थिति कम होती है उनके लिए परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किसी भी व्यक्तिगत पारिवारिक और सामाजिक समस्या के कारण स्कूल ना आने वाले छात्रों की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों पर ध्यान, विशेष जरूरतों वाले व कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करना चाहिए। प्रधानाध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे छात्रों और शिक्षक का प्रयास सहयोग मिले। आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति की सहायता से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए छात्रवृत्तियों तो अन्य प्रकार की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना आवश्यक है ताकि वे आर्थिक कारणों से स्कूल ना छोड़े। प्रधानाध्यापक को सुनिश्चित करना चाहिए कि योग्य छात्रों को सभी लाभ मिल रहे। उपस्थिति का नियमित मॉनिटरिंग, उपस्थिति रिकॉर्ड की जांच। प्रधानाध्यापक को नियमित रूप से छात्रों की उपस्थिति रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। जिन छात्रों की उपस्थिति लगातार कम हो उनके अभिभावकों से संपर्क किया जाना चाहिए और समस्या की पहचान कर उसे हल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। डिजिटल तकनीक का उपयोग, डिजिटल उपस्थिति सिस्टम लागू करके छात्रों
की उपस्थिति को मॉनिटर किया जा सकता है और स्वचालित तरीके से अभिभावकों को सूचित किया जा सकता है। सकारात्मक वातावरण का निर्माण। स्कूल में एक सकारात्मक और उत्साहवर्धक वातावरण बनाना प्रधानाध्यापक को सूचित करना चाहिए कि स्कूल का माहौल विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित है, सहयोगात्मक है, सकारात्मक है। यदि छात्र स्कूल में अपने साथियों और शिक्षकों के साथ अच्छे संबंधों का अनुभव करते हैं तो उनकी उपस्थिति स्वतः ही बढ़ जाएगी। प्रधानाध्यापक की भूमिका केवल प्रशासनिक नहीं होती बल्कि वे एक प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, परिवर्तनकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। छात्रों की उपस्थिति में सुधार के लिए उन्हें विभिन्न रणनीतियों अपनानी चाहिए जो शैक्षिक, सामाजिक, व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता हो। एक प्रधानाध्यापक द्वारा उठाए गए सही कदम न केवल छात्रों की उपस्थिति सुधारेंगे बल्कि पूरे स्कूल के शैक्षिक वातावरण सुधारेंगे। एक बात बता देते हैं, प्रधानाध्यापक अकेले कुछ कर नहीं सकता है, इसीलिए सबको अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी होगी। प्रधानाध्यापक अगर कुछ कहेगा तो सहायक समझेंगे, ऑर्डर दे रहे हैं, तो बिल्कुल आपको अपनी व्यक्तिगत